जिला कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने आज खुद जाकर एक धनिया फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई की, जिस पर उन्होंने पाया कि गलत तरीके से धनिया बनाकर लोगों को बेचा जा रहा था। धनिया में डंठल और कलर मिलाए जा रहे थे, ऐसी सूचना जिला कलेक्टर को मिली, जिसके बाद आज सुबह कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम और पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए इंडस्ट्रियल एरिया में धनिया की फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई की। यह जानकर सभी चौंक गए कि जिस जगह पर धनिया बनाया जा रहा है, वहां पर एक पशु आहार बनाने का लाइसेंस लेकर धनिया का निर्माण किया जा रहा था। वहीं बड़ी संख्या में यहां पर धनिया पाउडर बनाने की सामग्री प्राप्त हुई है। वहीं कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने उक्त धनिया मालिक के ऊपर रासुका एवं अन्य धाराएं लगाने की बात भी कही। वहीं साथ ही उन्होंने स्पष्ट शब्दों में यह भी कह दिया कि जिस भवन में अनैतिक कार्य होंगे या गलत तरीके से काम किए जाएंगे, उस भवन को भी तोड़ दिया जाएगा। वहीं खाद्य अधिकारी की भूमिका पर भी सवालिया निशान उठाते हुए नजर आ रहे हैं। इसका कारण यह है कि एक लंबे अरसे से खाद्य अधिकारी गुना जिले में पदस्थ है, उसके बावजूद भी इस तरह से मिलावटी सामग्री का धंधा जोरों पर चल रहा है। देखने लायक होगा कि जिला कलेक्टर आरोपी अधिकारियों पर क्या कार्रवाई करते हैं, जिनकी भूमिका भी संदिग्ध बनी हुई है। चलो मिर्ची है तो सही नहीं सर, ऐसा गया था, गलती से आ गया था। नहीं गलती से नहीं सर, क्या होता है जल्दी सर जी, रखा है ना उसमें कमरे में रखा है पशु। मालिक कौन है? मालिक पापा है। क्या करते रहे तो? सर मैं देख रेख पे रहता हूँ सर, अब क्या करे, कोई काम है नहीं। मतलब क्या नाम है पापा का? श्री अशोक कुमार जैन। आपका क्या नाम है? आईफिल जैन। फर्म किस नाम से है? जी एस इंडस्ट्रीज। कितने साल से है जी? कितने साल? तीन साल है सर। तीन साल? हाँ, दो तीन साल करीब हो गए। साहब आते थे तीन साल में कभी? एक बार आए सर, अपना पशु आर के नाम से काम? नहीं नहीं साहब, ये सब वगैरह कोई नहीं आया अभी तक। अच्छा, कभी कोई नहीं आया। अच्छा, आप ही चले जाते होंगे? नहीं हम ही नहीं जाते सर, जाना ही नहीं पड़ता अपना कोई फूड। नहीं, क्यों लाइसेंस नहीं लिया था क्या सर? वो पशु आहार वाला लाइसेंस की? पशु आहार वाला लाइसेंस है, कोई फूड का काम ही नहीं करते ना अपन। अच्छा। मसाला के बेचते ही नहीं है। मिर्ची का जो मिर्ची है वो सर किसी जैसे आपकी आ गई तो पिसाई के लिए रखी है वो, मतलब हम लोग नहीं करते ना ही पैकिंग करते इसका। मिर्ची बीज है तो डंठल बीज है ये डंठल, जो मिर्ची टूटती है तो टूट के जो निकलती है वो उसका मिर्ची है, उसको रख लेते हैं। करेगा तो उसपे क्या कार्रवाई होगी और क्या इसके प्रावधान है दंडित के? ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशन में जो है मिलावटखोरी के विरुद्ध एक बड़े पैमाने पर पूरे प्रदेश स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जो है प्रशासन के, पुलिस के, फूड के सभी लोग मिल करके टीमें बनी हुई हैं और उस पर कार्रवाइयाँ चल रही हैं। उसी तारतम्य में आज ये कार्रवाई हुई है और इसमें जो है जो फूड है अपना वो अपना जो वैधानिक कार्रवाई है फूड एक्ट में अपना वो करेंगे। बाकी इसके अलावा जो है IPC की जो धाराएँ हैं और खाद्य अपमिश्रण की जो धाराएँ हैं उसमें जो है वो पुलिस जो है वो मुकदमा कायम करके जो क्रिमिनल प्रोसीजर है वो अलग से कार्रवाई करेगी उसमें, और इसके अलावा जो है इनके और भी चीज़ों को देख करके NSA की कार्रवाई की जाएगी। ये जो हेल्पलाइन जारी किया था उससे सूचना आई थी, फिर हमने SDM को बताया, वो यहाँ मौके पर पहुँची, पुलिस बल पहुँचा। हाँ दादाजी जी, और ये देख के प्रथम दृष्टया लग रहा है कि ये अपने आप ये पूरी तरह से एक अपराध ही है। पशु आहार के नाम पे धनिया पाउडर बना के बेचा जा रहा है और उसमें सारे डंठल मिक्स करके पूरा एडल्टरेटेड है, इसमें सख्त कार्रवाई होगी। ये जो जिस जगह ये काम कर रहे हैं अगर इसका परमिशन नहीं है तो ये बिल्डिंग भी तोड़ी जाएगी। और अब सामूहिक इस चारों सभी एक्ट में कार्रवाई होगी, अगर कोई भवन में गलत काम होता है, भवन में अनुमति नहीं है तो भवन भी तोड़ा जाएगा। सर ये किसके यहाँ पे कार्रवाई हुई है? मिस्टर जैन है, इस पर रासुका लगाने की भी कार्रवाई की जाएगी। सर ये फूड अधिकारी भी यहाँ पे और काफ़ी दिनों से वो यहाँ पदस्थ भी हैं, उसके बाद में भी इतनी बड़ी मतलब उनको
ये फैक्ट्री चल रही थी वो उसको देख नहीं पाए, इसका क्या कारण? तौर पे ये लापरवाही तो है ही, इसमें तो कोई दो मत है ही नहीं। अगर ये इंडस्ट्रियल एरिया में इतनी बड़ी कार्रवाई जो सबको मालूम है, इस तरह की गतिविधियां चल रही हैं, निश्चित तौर पर है दो है।